हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 13 दिसंबर 2020 है और आज एक विशेष दिन है। विशेष दिन ये क्योंकि ये हमारा वीडियो 900वां वीडियो है। लगातार 900 वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार से, इसी प्रकार का प्यार और विश्वास आगे भी आप लोगों का मिलता रहेगा। मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोगों की सेवा इसी प्रकार से कर पाऊँ। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी, इसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे कोर्सेस और नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड नोट्स, एमपीएसआई के लिए, जेल प्रहरी के लिए कोर्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। आगे होगी बात थॉट ऑफ द डे की, और आज का जो हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में जो पहला मंडल है, मंडल एक, उसका दूसरा सूक्त, दूसरे सूक्त का छठवां मंत्र, इसमें कहा गया है ईशानः वंद्यन् यवयः। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो अपनी परिस्थितियों का निर्माता आप है, यानी कि आप आज, आपके पास में जो कुछ है वो आपका पहले से बोया हुआ है, जो आज आप काट रहे हैं। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप अपने लिए तय करेंगे, जैसा आप अपने साथ व्यवहार करेंगे, जैसा क्रियाएं करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप आज, आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, तो यकीन मानिए ये परेशानियां आपने खुद आपके लिए बोई हैं। अगर आपके पास आज सफलता है तो ये पिछले आपकी मेहनत का नतीजा है, तो आप आने वाले भविष्य को भी इसी प्रकार से ठीक कर सकते हैं, और ये ऋग्वेद आपको बता रहा है। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें 54वें स्थान पर है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है कि अमेरिका में कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये प्रमीला जयपाल बनी है। और चौथा प्रश्न है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी में कितना रहने का अनुमान जताया है, तो इसको चेंज करके -8% किया है। पांचवा प्रश्न है कि टाइम मैगजीन के 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जो बाइडन और कमला हैरिस हैं। छठवां प्रश्न है कि किस स्वयंसेवी संस्था को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये हेल्पेज इंडिया है। सातवां प्रश्न है कि वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है, तो ये कैरोलिना ओरुजा है। और आठवां प्रश्न है कि वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो सोनू सूद इसमें प्रथम स्थान पर। और नवा प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है, तो ये बिहार में किया गया है। और दसवां प्रश्न है कि किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बजरंग पूनिया और एला वैनिल बिलारिवन है। तो ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच वर्चुअल शिखर बैठक हुई है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये वर्चुअल शिखर बैठक हुई है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियायोव, इनके बीच में 11 दिसंबर को वर्चुअल शिखर बैठक हुई, और इस बैठक में अलग अलग क्षेत्रों से 9 समझौते और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें शामिल हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डॉलर क्रेडिट लाइन समझौता, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और स्टेट कस्टम कमेटी ऑफ उज्बेकिस्तान के बीच में राष्ट्रीय सीमा पर वस्तुओं के पहुंचने से पहले सूचना का आदान प्रदान, इसी प्रकार के 9 समझौते हुए हैं जो इसमें आयोजित किए गए हैं। बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं, और मुद्रा यहाँ की उज्बेकिस्तानी सोम है। चलिए मैप में मैं आपको अब उज्बेकिस्तान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको उज्बेकिस्तान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर उत्तर की तरफ। उत्तर में जाएंगे, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के आगे ये जो कॉफ़ी कलर में आपको देश दिखाई दे रहा है ये उज्बेकिस्तान है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ताशकंद, ये इसी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। राइट, अब देखेंगे आसपास कौन कौन से देश है। तो ऊपर कजाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अरल सागर है, आपने नाम सुना होगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान है, इधर ताजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है, तो इन देशों के बीच में उज्बेकिस्तान स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, तो वर्चुअल आयोजित हुआ था और इसको संबोधित किया पेरिस शिखर सम्मेलन के 5वें वर्षगांठ पर इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और फ्रांस इनकी सह मेजबानी में इसका आयोजन हुआ था और ये 2020 यानी कि अभी इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने 2000 कहा इस सम्मेलन में कि 2014 की अपनी सौर ऊर्जा क्षमता जो भारत के पास उस समय 2.63 गीगावाट थी उसको 2020 में बढ़ाकर भारत ने 36 गीगावाट कर दिया है और कहा कि 2047 तक का जो शताब्दी वर्ष होगा यानी भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, इसने न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेगा बल्कि उम्मीद से और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भी करेगा। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे, और ये जो मनाया जाता है 12 दिसंबर को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता का महत्व यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सार्वजनिक लोग समझें, जागरूकता फैले और इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो घोषणा हुई थी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव द्वारा। और तटस्थता होती यह है कि दो देश अगर युद्ध कर रहे हैं तो सभी भागीदारी से एक देश के संयम से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल मिलाकर मतलब ये है कि दो देश अगर युद्ध कर रहे हैं तो सभी जो देश हैं वो उसमें तटस्थ रहें, संयम रखें, दोनों देशों को समझाएं कि वो एक दूसरे से ना लड़ें, इस प्रकार की चीज़ें इसमें रखी गई हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि चौथा प्रश्न है कि किस बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी ये शुरू की है, और ये शुरू की गई है एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX इसका शुभारंभ किया है और बैंक की ये $9 बिलियन की वैक्सीन पहल है अपने विकासशील सदस्य देशों को तीव्र और न्याय संगत समर्थन की पेशकश करेगी, यानी उनको इजीली एक्सेस हो वैक्सीन तक और ताकि वे सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वायरस टीके की डिलीवरी और खरीद कर सकें। बात एशियाई विकास बैंक यानी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की करें, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को और सदस्य देशों की संख्या 68 है। बात करें पांचवें प्रश्न की कि किस वर्ष धरती पर जीवों से ज़्यादा सामान का भार हो गया है या हो जाएगा, और ये हो चुका है 2020 में ही, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो 2020 में दुनिया में जितने पौधे हैं, जितने जानवर हैं और जितने मनुष्य हैं, इनको अगर एक तरफ जोड़ा जाए, दूसरी तरफ कंक्रीट, डामर, ईंट, इस प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं हैं यानी मानवों के अलावा जो दूसरी वस्तुएं इंसानों ने बनाई है धरती से खनिज निकालकर अलग अलग तरीके से बनाई है, अगर इनके वजन का कंपैरिजन किया जाए तो मानवों का या जैव का जो वजन है वो कम हो गया है जबकि जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं उनका वजन बढ़ गया है। इजराइल स्थित विजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर मॉडल के जरिए इस नए शोध पर दावा किया है और ये कहा है कि 2020 में सामान्य भार का 1.1 टेरा टन धरती पर मौजूद कुल जैविक भार से ज़्यादा हो गया है। अगर इसी रफ्तार से वृद्धि रही तो 2040 तक मानव निर्मित सामान का भार 3 टेरा टन से अधिक होने की संभावना है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत दुनिया जो है लगातार इस प्रकार की चीज़ें बना रहा है। अब यार इस पे क्या धरती का बोझ बढ़ गया? नहीं, सब धरती का बोझ नहीं बढ़ा, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो अल्टीमेट धरती में ही मौजूद पदार्थों से बनाई जा रही हैं। जैसे बिल्डिंग बन रही, बिल्डिंग में ईंट लगनी तो ईंट मिट्टी से जमीन से निकला है, सरिया लगना सरिया जमीन से निकला है, सीमेंट लगना है सीमेंट पत्थरों को चूना पत्थर को लाइमस्टोन को तोड़ के बनाया गया। तो कुल मिलाकर धरती का वजन नहीं बढ़ रहा लेकिन धरती पर जो जीव है उसकी अपेक्षा जो मानव ने धरती से निकालने के बाद जो चीज़ें निर्मित की है उसका वजन बढ़ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें छठवें प्रश्न की कि वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक का क्या नाम था जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम था नॉर्मन आब्रासन, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संचार के क्षेत्र में वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क के जनक माने जाते हैं नॉर्मन आब्रासन, इनका 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, त्वचा का कैंसर इनको था, और इन्होंने प्रारंभिक वायरलेस नेटवर्क ALOHA नेट बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है,
और इसके निर्माण के बाद जो अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी थी उसमें इसका उपयोग आधुनिक सैटेलाइट फोन कंप्यूटर नेटवर्क में किया गया। बात करें सातवें प्रश्न की कि दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड आईओटी आईओटी कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके नेटवर्क किस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो इसको बीएसएनएल के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए और ये होगा क्या इसमें, तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, इसने सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी है स्काइलोटेक इंडिया इसके साथ एक साझेदारी की है और ये पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क है। इसे शुरू किए जाने के बाद से समाधान जो है इससे मिलने वाला है वो मछुआरों किसानों निर्माण खनन और उद्यम वगैरह को इसे बढ़ावा मिलेगा। बात करें आठवें प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि AIBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और ये रशिया के उमर क्रेमलेव हैं यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है, तो रूस के उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और क्रेमलेव 2017 से रूस मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष थे। क्रेमलेव ने 5 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला हुआ था, उसमें 57% मत के साथ मत हासिल किया और 155 देशों के महासंघों ने इसमें हिस्सा लिया था। बात करें रशिया की, इसकी राजधानी मास्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है। चलिए मैप में मैं आपको अब रशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर आप जाएंगे तो ये चाइना है, मंगोलिया, मंगोलिया को क्रॉस करने के बाद में ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश आपको दिखाई दे रहा है यही रशिया है, राइट। रशिया में देखेंगे यहाँ पर एक यूराल पर्वत श्रृंखला, ये जो है माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला है और ये अलग करता है रशिया को, दो हिस्सों में बांट देता है। इधर का रशिया वाला जो हिस्सा आता है वो एशिया में आता है और इधर वाला जो आता है वो यूरोप में आता है। यहाँ की राजधानी आप देखेंगे तो मास्को है जो कि यूरोप में आती है, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये इस तरफ पूरा अमेरिका के पास में, अलास्का के पास अमेरिका, अमेरिका के पास होता हुआ पूरा एशिया यूरोप तक फैला हुआ है। और यहाँ पर एक ट्रांस साइबेरियन, आपने रेलवे लाइन का नाम सुना होगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है वो यहाँ पर चाइना के पास से, चाइना के इस कोने से शुरू होती है, इस जगह से ईस्ट सी से शुरू होती है और पूरा रशिया क्रॉस करने के बाद में मास्को जो कि रशिया की राजधानी वहाँ तक जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा आज का वीडियो था, आज 8 ही प्रश्न थे, शनिवार होने के कारण बहुत ज़्यादा खबरें नहीं थी। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर आपने दिया कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, और ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इन्होंने ही 12,000 रन, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन सबसे पहले बनाए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि वो देश जो टेररिज्म आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें भारत का कौन सा स्थान है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।